नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। मुरैना मौत की शराब कांड के बाद अवैध शराब माफियों पर प्रशासन सख्त। गुना जिला आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही। राघोगढ़ तहसील राजपुरा गांव में अवैध देसी शराब बड़ी मात्रा में पकड़ी। लगभग 1000 लीटर शराब की जब्त। जी हां, आज गुना जिला राघोगढ़ तहसील अंतर्गत राजपुरा ग्राम में हाथ भट्टी के द्वारा निर्मित अवैध शराब जब्त की गई। गुना जिला आबकारी विभाग अधिकारी श्री चौहान ने जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि यह अवैध शराब का गोरख धंधा काफी दिनों से चल रहा था। कार्रवाई के दौरान आरोपी भाग निकले। इस तरह गुना जिले में यह अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गुना से ब्यूरो चीफ अहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। आंकड़े मेरे सामने आ रहे हैं, अभी शराब की भी हम जांच वगैरह कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई है अवैध शराब के विरुद्ध की गई, जो हानि मानव उपयोग के लिए शराब हानिकारक भी हो सकती है, इसलिए ये बड़ी कार्रवाई। मुरैना के बाद में गुना जिले की साथ सबसे बड़ी कार्रवाई है जी। हाँ, ये उन्हें वो प्रदेश में और जगह भी हो सकता है पकड़ा रही है, लेकिन यहाँ गुना जिले के लिए ये शराब बड़ी कार्रवाई।